थे अभी तो बड़ा तारीफ। एजेंडा बनाते हैं, देखो क्या होता है, बोले की अरे राहुल आज पर्ची नहीं लाए, 31 पे 20, अगली 10 बॉल में डॉट, पर्ची विलियम बना दे चुकलाल को, बावन पर्ची काट दिया, सब सब करो सब करो सब करो। सपना बिहाइंड द सीन्स वाली सारी चीजें बताने, देखो 31 अब बात करना सपना बोल सपना बोल आप यहाँ पे बैठे हुए भी अब बात करना शुरू विराट की तारीफ करने के बाद अभी यही बोले एक खिलाड़ी को लेके कि लेकिन नहीं इसके बेस्ट थे विराट से बेस्ट है क्योंकि इसने 45 गेंदों में एक ही 55 गेंदों में बनाया सब लाइव में यार लाइव चांस दे दीजिए लाइव है हम सपना लाइव है हम लाइव 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 कट करो कट करो अरे हम लाइव है ये लड़की तो फ्रेंड ही है हम लाइव है तुरंत करेक्ट किया उनको भाई 49 देवी जी 49 अब मैं एडिट डैडी एडिट अब मैं बोल लूं ये खाना नहीं खा रहे थे क्या बोलेंगे आप तो माफी भी मांग चुके हो सपना किस टीम से सपना एमआई की बात ये खाना नहीं खा रहे थे पांच ट्रॉफी के लिए उसके पीछे की वजह क्या थी खाना क्यों नहीं खा रहे थे खाना तो खाया मैंने भाई चार बार चावल लिए अरे यार सपना व्लॉग नहीं बनाई तो क्या चार बार चावल लिए भाई अरे नहीं भाई देखिए क्या था कि विराट कोहली की जो पारी थी उसमें हम पुरानी पारियां देखते हुए आ रहे थे पर्ची जिस दिन मैं लाया था उस दिन रोहित शर्मा की पारी थी पहले आप लोगों को ये याद दिला दूं कि जिस दिन मैं पर्ची लेकर आया था उस दिन वो रोहित शर्मा की इनिंग्स का एक वो था ब्रेकडाउन था कि उन्होंने कब क्या करा और उस दिन भी सवाल उठाया उनकी पारी पर कि स्पिनर्स के अगेंस्ट उन्होंने लास्ट की 25 बॉलों पर हल्का खेला पहली बात ये दूसरी बात विराट कोहली इस पूरे के पूरे सीजन में जिस तरीके से अपनी पारी को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे मेरे सवाल वहां पर थे वो सवाल तब तक मेरे को लगता है जायज था आज उन्होंने बढ़िया कर दिया तो मैं गलत साबित हो गया लेकिन ये थोड़ी था कि विराट कोहली ऐसा खेल ही नहीं रहते ये 2016 वाला विराट कोहली होता तो मैं बेवकूफ कहलाता लेकिन ये आज का विराट कोहली है जिसने ये पारी 2016 की पारी की याद दिला दी इस पारी को खेलकर बेवकूफ फिर से कहलाने जाएंगे आप कह सकते हो लेकिन मैं वही कह रहा हूँ विराट कोहली ने जो मुंबई वाला चेस किया था वो भी इसी सेक्रेट में करा था लेकिन देखो उसमें क्या था कि कहीं ना कहीं फैब दिल्ली वाले 50 आपका मैच विनिंग जब आपने देखा लेकिन दिल्ली वाला 50 में उनके 26 बॉल पे 31 रन थे आप भूलिए मत बट इवेंचुअली इट केम इन द उनको उनकी लेकिन बॉलिंग ने जिताया ना भाई आप फिर पंजाब वाली पारी भी बोलोगे लेकिन वो मोहम्मद सिराज का ब्रिलियंट पार्ट पार्सल ऑफ द गेम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम ऑफ कोर्स बट वो जैसा कहा ना उस दिन फिल सॉल्ट वाला भी अगर वो जीत जाते दिल्ली वाला वो वाला देखो उसके अंदर क्रिटिसिज्म तभी करेंगे वो हार गए ना क्योंकि वो हार गए इसलिए आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो लेकिन मैं हार के अलावा भी आपको एक दूसरी साइड दिखा रहा हूँ कि ठीक है जीत गए लेकिन विराट उस दिन और तेज खेल सकते थे ऐसा मुझे लगता है बाकी मैंने उसी बेसिस पे कहा था कि विराट ठीक है 85 पर 100 मेरी बेवकूफी थी लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मैं अगर उस पर 70 पे भी बोलता तो उन्होंने आज 61 पे 100 किया है और उनकी टीम लास्ट ओवर में ही मैच जीती है वरना उनको जीत मिले हाँ वो चीज वही मैं कह रहा हूँ इसीलिए मुझे आज जब उन्होंने खेल पारी खेली तो मुझे सुनील की बात याद आई कि भाई ये नहीं है कि ओपनर 10 पे 90 उन्होंने भी 10 पे 90 कर दिए थे चले जाते लेकिन उनको पता है ना जी मुंबई की बैटिंग में डेप्थ है हाँ। लेकिन उस डेप्थ का क्या करना जब वो काम ही नहीं आया आपके आपने अल्टीमेटली मैच गवा दिया ना हैपन एवरी टाइम बट यू हैव टू मेक श्योर अरे बट व्हेन यू गेट स्टार्ट विराट कोहली रोहित शर्मा मतलब ये छोटे खिलाड़ी तो नहीं है ना बिल्कुल मैं मयंक अग्रवाल से तो नहीं करने के लिए बोल रहा ये बात मैं वही तो कह रहा हूं शिखर धवन से भी नहीं बोल रहा ये करने के लिए ना जो विराट कोहली ने आज करा इट वोंट हैपन एवरी टाइम बट मैं वही कह रहा हूं जब आप भाई लेकिन जब आप कर रहे हो ना जब आप कर रहे हो तो फिनिश करके एक था कि विराट कोहली लगातार करता था जिस दिन चल जाता था लगातार करता था अब 10 में से 2 बार करेगा ना रोहित शर्मा तो 10 में से 1 बार भी नहीं कर रहे तो मेरा सवाल वही है कि आप जिस दिन चल गए उस दिन आपकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि क्योंकि 120 ही बॉले हैं जी 120 बॉलों में आप 60 गेंदे खेलोगे आप मैच खत्म कर दोगे भाई विराट कोहली ने 60 ही गेंदे ये टूट चला था भाई मोहम्मद आमिर का वो चीज आपको देखनी पड़ेगी भाई वो चीज आपको समझनी पड़ेगी और वही चीज मेरे हिसाब से सबसे भाई विराट कोहली ने खुद ही एडमिट करा इफ इट्स योर डे भाई देखो ये विराट कोहली है अपनी खामियाबी एक्सेप्ट करते हैं लेट यू डिक्टेट द टर्म्स ज्योति जी की सुपरचैट चला दीजिए यही बोला उन्होंने कि यार देखो अपना मैं अपने टैक्टिक को करना होता है बिलीव इन योर एबिलिटीज एंड ट्राइंग वो फिर वो गेम रीड कर जाते हैं ना किसको अटैक करना है किसको मुझे वो याद आता है मेहरबान जब वो बाद में उन्होंने कहा कि बस इसको मारना है हारिस को उसके बाद सब सरेंडर कर देंगे इसको मार दिया तो ये खुद ही मैच जिता के चले जाएंगे और फिर वही किया उन्होंने वही करा
उनसे मतलब इसलिए इसी वजह से चेज किंग कहा जाता है, नो मैटर कोई सा भी फॉर्मेट हो, जो आपके नर्व्स होते हैं ना शुभेंद्र भाई, चेज में हर खिलाड़ी का कैरेक्टर टेस्ट होता है। आप बैटिंग फर्स्ट करते हुए खिलाड़ी को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए देख लोगे, लेकिन अपने दम पर मैच जिताने वाली बातें होती ना, एंड दैट टू जो बताया विराट कोहली ने, आपको गेम रीड करके चलना होता है, गेम उनके लिए नॉकआउट था, विराट कोहली के लिए आरसीबी के लिए गेम नॉकआउट था, उसके बावजूद विराट कोहली ने प्रीमियर लीग को बैक करा यार, ट्वीट करा उसने भी देखा, नवीन ने ट्वीट किया, नहीं नवीन हक किस ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, हर जगह ट्विटर पर ट्रेंड है नवीन भाई यार, ये विराट कोहली की पावर है, इधर सुपरस्टार।